मैं आपसे कहता हूँ, अगर हमें जरूरत भी नहीं पड़ी हम तब भी लेंगे। बस कुछ ही घंटों में जम्मू कश्मीर चुनाव के फाइनल नतीजे सामने आने वाले हैं। चुनाव को लेकर सामने आए पोल में पीडीपी और कांग्रेस को बढ़त का दावा किया गया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की 40 से ऊपर सीटें आ सकती हैं। हालांकि पोल्स में किसी को भी बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली की संभावना है, जिसको लेकर कांग्रेस और एनसी को दूसरे लोगों का साथ चाहिए होगा। इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि अगर उन्हें जरूरत नहीं भी पड़ती है तो भी वह महबूबा मुफ्ती के साथ जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह पीडीपी को साथ लेकर चलेंगे। मैं आपसे कहता हूं, अगर हमें जरूरत भी नहीं पड़ी हम तब भी लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने चलना है इकट्ठे चलना है। इस रियासत को बचाने के लिए हमने सबने कोशिश करनी है। यह बड़ी मुश्किल में है ये रियासत, और काम बड़े सख्त है। यहाँ के बच्चों का हाल देखिए, पढ़े लिखे, सबसे बड़ी बड़ी तालीम है, दर बदर, महंगाई आसमान पे है, ड्रग मैनस जो आज देखते हैं आप, उनकी हालत देखिए, सारे ठेके बाहर वालों के, आप रेत का एक चम्मच नहीं निकाल सकते। अगर पहले से इंसान खदशात रखेगा फिर काम नहीं चलता, क्योंकि हम लोगों ने इकट्ठे अगर इस रियासत को बचाना है तो हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के इस रियासत को बचाना है, उस तूफान से निकालना है जिसमें यह रियासत आज 10 साल से है। क्या क्या बताऊं आपको, अभी मैं जम्मू से आया हूं, जम्मू की जो मैंने हालत देखी, मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं, मुझे रोना आया। सड़कें बर्बाद, कहीं लाटू नहीं जल रहा, सारी सड़कें, मैं कहता हूं अल्लाह ये हो क्या गया, क्या ये समझते हैं जम्मू हमारी जेब में है, और उसको छोड़ दिया। अफसोस तो मुझे इस बात का है, G20 यहां जम्मू में क्यों नहीं, एम्बेसडर्स यहां जम्मू में क्यों नहीं, अभी इलेक्शन के वक्त में एम्बेसीज के लोग लाए जम्मू में क्यों नहीं। लेकिन अगर वहां होगा फिर लोग कहेंगे यहां क्यों नहीं। मैं आपसे कहता हूं सुनिए, वहां जरूरी था इसलिए कि उनकी हालत भी देखें। अगर आप जाएंगे, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, आपको रोना आएगा उनकी हालत देखकर।